आज आप लोगों के साथ में आयरन पाउडर शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को आयरन पाउडर बनाना बताऊंगी। दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हो इस आयरन पाउडर को। सो वो कैसे प्रिपेयर करना है, आपको यहाँ पे लेना है लोहे का पैन। लोहे का पैन में ही आयरन बहुत अच्छे से मिल जाता है हमें। और हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है ये है सूखा ड्राई आंवला। आप इसका इस्तेमाल करिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और आंवला में आयरन तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे बालों की मेलानिन पिगमेंट को ये मेंटेन करता है, बरकरार रखता है और हमारे बाल जल्दी से सफेद भी नहीं होते हैं। प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए आंवला काफी ज्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच के तकरीबन आंवला का इस तरह से इस्तेमाल करना है। आप चाहें, आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसके साथ में यूज करना है दोस्तों चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, चाय की पत्ती आप सभी जानते हैं कि ये रंग देते हैं हमारे बालों को, सिल्की और सॉफ्ट बनाते हैं, मैनेजेबल बना देते हैं, हमारे बालों को बहुत ही स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, बाल जल्दी से टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है अनाकारण। और गर्मियों के मौसम में या फिर मानसून सीजन में अगर मैं बोलूँ तो इस रेमेडी को आप बराबर से लगाते रहिए, जिससे कि आप अपने प्री मेच्योर ग्रोइंग हेयर के बहुत ही अच्छा रेमेडी आप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो 1 चम्मच के तकरीबन, 1 या 2 चम्मच के तकरीबन आप यहाँ पे चाय की पत्ती का इस्तेमाल जरूर करिए। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन करना है और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करना है और इसके बाद इसे ठंडा करना है और इसे मिक्सी ग्राइंडर में आपको पीस करके रेडी कर लेना है। यह आपका आयरन पाउडर रेडी हो जाता है दोस्तों। इसमें आपको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे कि आप अपने बालों को काला कर सकते हो। अगर आप मेहंदी के साथ में मिला रहे हो, इंडिगो के साथ में मिला रहे हो इस रेमेडी को, तो ये आपके बालों को, सफेद बालों को ये काला करेंगे इंस्टेंटली। मीन्स आपको कोई केमिकल लगाने की, बाजार वाली डाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम आयरन पाउडर की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कलौंजी दाना कैसे भूल सकते हैं हम। मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको लेना है मंगरेल, जिसे कि हम कलौंजी के नाम से जानते हैं, आनियन सीड्स जो कि ब्लैक कलर की होती है। ये आपके बालों के स्कैल्प की मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और इसीलिए आपके बाल जो है वो अच्छी तरह से काले होते हैं दोस्तों। और ये आपके सफेद बालों के लिए भी है, प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए, छोटे बच्चे हैं जैसे कि 14 ईयर्स से लेके अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, मैन वीमेन दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे इन तीनों चीजों को मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पर ये इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाना है। गैस के फ्लेम को अभी आपको बंद कर देना है और अच्छी तरह से इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लेना है आपको। आप देख सकते हो मैंने इसे मिक्सी जार में ले लिया है, अभी से हम ग्राइंड करेंगे। इसे ग्राइंड करने के बाद आपको एक बाउल लेना है, वो भी कांच की कटोरी लीजिए और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो मोटे मोटे ग्रैनुअल्स है वो नहीं आएंगे और ये काफी इजी हो जाएगा कि हम अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसे मैं अच्छी तरह से पूरा, देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हमें लेना है। इसकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों। ये आपके व्हाइट हेयर को, प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को स्टॉप करेगा और फिर से नए बाल उगाएंगे वो भी ब्लैक में। तो इस तरह से आपको और भी इसे बारीक पीस लीजिए, जितना पीस लेंगे उतना और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर 1 से 2 बड़े चम्मच के तकरीबन इसे ले लेना है। ये देखिए, बाकी का मैं उसे बाद में अच्छी तरह से और भी पीस करके ले लूंगी। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए, तो ये मैजिकल आयरन पाउडर है दोस्तों, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, इसे जरूर प्रिपेयर करें। और इसको यूज करने के लिए देखिए, आप यहाँ पे कैस्टर ऑयल का यूज करें, जिससे कि बाल आपके थिक होते हैं और स्कैल्प काफी ज्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं तो सरसों का तेल करिए, या फिर आप यहाँ पे नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और ये रात का समय है दोस्तों, तो काफी अच्छी तरह से इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हो आप। देखिए इस तरह से ये आपका एक नेचुरल सा ब्लैक, आप ऑयल कह सकते हैं या सीरम कह सकते हैं, आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो और इसे अपने बालों पे आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। इसे अगर आप ओवरनाइट लगाएंगे दोस्तों तो काफी अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप इसे
मॉर्निंग में लगाना प्रीफर करते हैं तो आप इसे 1 से 2 घंटे सुबह के टाइम पे जरूर लगाएं। इस तरह से आप देखिए इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। तो यह है सबसे बेस्ट एंड पावरफुल रेमेडी जिससे कि आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं। तो चलिए इसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हो। ये देखिए, इनके मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों के साथ में शेयर किए, लेकिन इनके बाल देखिए काफी अच्छी तरह से ब्लैक हो गए हैं। तो इसी तरह से ये आपके बालों को ब्लैक करेगा। ये देखिए, ये है आपका मैजिकल ऑयल। इसे आप अपने जड़ों पर इस तरह से आपको मसाज करना है और इसे ओवरनाइट ही छोड़ना है। दोस्तों, काफी अच्छा ये रिजल्ट देने वाला है। इस तरह से जहां जहां पे आपको लगे कि बाल अगर आपके कम हो गए हैं तो वहां पे भी आप इसका एप्लीकेशन जरूर लगाएं। इस तरह से आपको मसाज करना है और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट आपके बालों पे ये डीपली पेनिट्रेट होगा, स्कैल्प में जाएगा और भी अच्छी तरह से आपके बालों की ग्रोथ होती है और बाल आपके इस तरह से काले बने रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।